तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अरविंद केजरीवाल मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग से अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कर्णप्रयाग में गाय का रेस्क्यू किया गया है, पिंटर नदी में गाय का रेस्क्यू किया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये गाय पिछले 3 दिनों से टापू पर फंसी हुई थी और रस्सी के सहारे इसे रेस्क्यू किया गया है। ये गाय नारायण बगड़ के पास पिंडर नदी में बहकर आई थी। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी दी और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और आखिरकार गाय का रेस्क्यू कर लिया गया। सुरक्षित गाय को बाहर निकाला गया रस्सी के सहारे। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। टापू पर 3 दिनों से ये गाय फंसी हुई थी। बताया जा रहा है कि नदी में बहकर ये यहाँ पर पहुंची, टापू पर फंसी हुई थी 3 दिनों से। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों से सड़क पर मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे उमा माहेश्वर आश्रम के पास फिर से बंद हो चुका है। पहाड़ी से सड़क पर मलबा आ चुका है जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। आवाजाही प्रभावित है, फिर से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है और सड़क पर लगातार मलबा आने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है, भारी जाम की स्थिति है। और उमा महेश्वर आश्रम के पास फिर से सड़क पर मलबा जमा होने की वजह से ये रास्ता बंद हो चुका है। रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन लगातार पहाड़ में ये स्थिति बनी हुई है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, रात की तस्वीर और एक सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद रास्ते बंद हो रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जाम की स्थिति है और रास्ते को खोलने की कोशिश हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा खुलते ही तीर्थ यात्री धामों में पहुंचने लगे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भले ही अभी यात्रियों की संख्या सीमित है, आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से भटवाड़ी तहसीलदार धामों में तैनात किए गए। गंगोत्री में उत्तरकाशी से लेकर हर्षिल धराली तक अधिकांश होटल संचालित हैं जिनमें पर्यटकों की आवाजाही हो रही है। गंगोत्री धाम में भी चहल पहल शुरू हो चुकी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गंगोत्री वीआईपी पार्किंग के पास एक टीम मास्क और सैनिटाइजर के साथ रही, जबकि दूसरी दूरी पर टीम मंदिर परिसर में मौजूद रही, तो हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं मुस्तैद है। गंगोत्री धाम का जो है यात्रा जो है 18 तारीख से शुरू कर दी है। सरकार ने जो है कोविड नियमों के अंतर्गत जो है इसको शुरू कर दिया है और अब सभी लोगों को ये जानकारी हो गई है और यहाँ पर की व्यवस्थाएं जो हैं सभी लगभग पूरी हो गई है और ऐसी कोई दिक्कत इस समय नहीं आ रही है। तो हम चाहेंगे कि यार ये गंगा तीर्थ का जो है, तीर्थ यात्रियों का जो है ये आगमन यहाँ। और वही उत्तराखंड में शनिवार से चार धाम यात्रा की शुरुआत कर दी गई है और इसके बाद देवभूमि में रौनक लौटने लगी है। चार धाम की चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गंगोत्री धाम की है जहां श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए मां गंगा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान धाम के यात्रा मार्ग पर काफी समय बाद दुकानें खुली हुई दिखाई दी। दूसरी तस्वीर आप यमुनोत्री धाम की देख रहे हैं, यहाँ भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान डीएम और एसपी ने भी यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रा पड़ावों के चेक पोस्ट पर नियमों का पालन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। धाम के परिसर में कोविड केयर सेंटर बनाए गए जहां जीवन रक्षक दवाओं के साथ ही पर्याप्त ऑक्सीजन मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के पहुंचने से रौनक दिखाई देने लगी है। इस दौरान यहाँ पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। तो साथ ही आप केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। काफी वक्त के बाद यहां पर रौनक लौटी है जिसके बाद यहां पर तीर्थ पुरोहित काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो चार धामों की तस्वीरें जिसके बाद रौनक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। व्यापारी भी काफी खुश हैं, बहुत समय बाद दुकानें खुली हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनका कामकाज शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए, पहले दिन धाम पर कितने लोग पहुंचे उसकी तस्वीरें ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में 84 यात्री पहुंचे। बद्रीनाथ धाम की बात करें,
335 यात्री यहां पर पहुंचे, गंगोत्री 176 और यमुनोत्री 152 यात्री।